पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वेस्ट विनोद नगर से आम आदमी पार्टी की निगम पार्षद गीता रावत न केवल खुद कोरोना का टीका लगवाया बल्कि लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने में जुटी हैं। क्षेत्र के लोगों का टीकाकरण हो इसके लिए गीता रावत खुद प्रयास कर रही हैं। वो अपने वार्ड के एक एक घर में जाकर लोगों को टीका लगवाने की अपील कर रही हैं, साथ ही टीका को लेकर फैले भ्रम को भी दूर करने का प्रयास कर रही हैं। गीता रावत ने कहा कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए क्षेत्र में उनकी तरफ से लगातार कीटाणुनाशक दवाओं का छिड़काव कर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इन सब के बावजूद कोरोना तभी काबू में आ सकता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टीका लगवाएं। ऐसे में क्षेत्र के लोगों का टीकाकरण हो, इस लोगों को जागरूक कर टीका लगवाने की अपील की जा रही है। घर घर जाकर टीकाकरण केंद्र की जानकारी दी जा रही है। इस काम में उनके कार्यकर्ता उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। साथियों, जैसा कि आपको पता है, मंगलम स्कूल में 45 प्लस से अधिक आयु वाले लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध हो रखी है और आप में से कोई भी 45 से अगर ऊपर है तो मंगलम स्कूल में जाए, केवल आधार कार्ड ले जाना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, केवल आधार कार्ड लेके आपको जाना है। वहाँ पर वैक्सीन की सुविधा दी गई है, वैक्सीन लग रही है, लेकिन 18 से 44 वालों की अभी वैक्सीन नहीं है, 18 से 44 वालों को भी नहीं लग रही है। 45 उम्र वाले व्यक्ति को वहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है और अभी वहाँ पर इतना अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग है, पूरा स्कूल को अच्छे से सैनिटाइज किया जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आप वहाँ जाओ तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो सुबह 9:30 से 4 बजे तक वहाँ पर वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है। तो आपके जो भी जानने वाले हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, अगर किसी 45 वर्ष वाले व्यक्ति ने अगर वैक्सीन नहीं लगाई हो तो उसको मंगलम स्कूल में जरूर भेजें। अगर किसी को शुगर बीपी है तो वो अपने डॉक्टर की राय ले लें,